बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्यूटी पर तैनात एक दारोगा शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है बदमाशों को पकड़ने के दौरान ये घटना घटी है। मामला बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र का है। नावकोठी थाना में पदस्थापित दारोगा खामस चौधरी बदमाशों को पकड़ने के दौरान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। दिवंगत खामस चौधरी पुलिस के जवानों के साथ छतौना पुल के पास घेराबंदी की और इस दौरान एक गाड़ी आ रही थी, जिस गाड़ी को उन्होंने रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी नहीं, उन्हें रौंदते हुए भाग गया, जिससे इस घटना में उनकी मौत हो गई। वहीं एक होमगार्ड का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिले में सनसनी फैल गई। वहीं शहीद दारोगा के परिजनों में कोहराम मच गया। खुद एसपी योगेंद्र कुमार घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंच पूरे मामले का जायजा लिया। अभी हम सदर अस्पताल में और यहां देखिए अभी आए हैं, एसपी खुद आए हैं। कहा जा रहा है कि बेगूसराय में इस तरह की पहली ये घटना है जब कोई बदमाश पुलिस अधिकारी पर गाड़ी चढ़ा दे। बताया जा रहा है कि खामस चौधरी नावकोठी के छतौना पुल के पास रात में ड्यूटी दे रहे थे, इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ बदमाश अवैध रूप से शराब ले जा रहे हैं। सूचना पर उन्होंने एक गाड़ी को हाथ दिया, लेकिन गाड़ी वाले ने गाड़ी रोका नहीं, उन्हें कुचल दिया। अभी एसपी योगेंद्र कुमार खुद आए हैं सदर अस्पताल, मृतक दारोगा की पत्नी से और उनके बच्चों से मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना दी है और कहा कि जो भी इसमें दोषी है बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। रात को एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारे पुलिस परिवार का एक जवान सदस्य वो कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी जो कि नावकोठी थाना में प्रतिनियुक्त थे, कल रात को पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि एक एल्टो गाड़ी से कोई व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। तो उसके सत्यापन के लिए व्हीकल चेकिंग के लिए, चूँकि सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी रात को गश्ती ड्यूटी में थे, वो गश्ती गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचे, फोर्स के साथ पहुँचे और पुल पे उन्होंने गश्ती गाड़ी को खड़ा करके व्हीकल चेकिंग का प्रयास किया। और जब एल्टो गाड़ी वहाँ पे आई तो सब इंस्पेक्टर ने उसको रुकने का भी इशारा किया, लेकिन जो एल्टो गाड़ी थी वो वहाँ रुकी नहीं, उसने स्पीड अपनी तेज कर दी और हमारे सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। उसके बाद जो पुलिस सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी थे वो गिर गए वहाँ पे पुल के नीचे, और पुल के नीचे चूँकि पत्थर थे तो उनके सर पे पत्थर से चोट लग गई और उनकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसमें हमारा एक और होमगार्ड का सिपाही है, वो भी घायल हुआ है, उसका इलाज किया जा रहा है, उसकी स्थिति अभी ठीक है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि पुलिस के हमारे जो अधिकारी हैं वो अपना काम वहाँ पे कर रहे थे, वो व्हीकल चेकिंग कर रहे थे, और इस व्यक्ति ने जानबूझ के ये जानते हुए कि वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस का ऑफिसर है, उसने गाड़ी नहीं रोकी, पुलिस ने इशारा भी किया तब भी गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी से उनको टक्कर मार दी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो इसमें FIR दर्ज की जा रही है, इसमें गाड़ी मालिक की गिरफ्तारी हो गई है और हम लोग ने ये जाँच में पाया है कि जो गाड़ी का मालिक है और जो व्यक्ति रुपेश गाड़ी चला रहा था, दोनों के बीच में फ़ोन पर लगातार बातचीत है। इसका मतलब है दोनों ही इस धंधे में शामिल है और दोनों ही दोषी हैं। एक की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम STPO बकरी के नेतृत्व में गठित की गई है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया गया। गाड़ी बरामद, गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है, उसकी छापेमारी। गाड़ी मालिक कहाँ का है सर? गाड़ी मालिक नीमा चांदपुरा, जो बगल का थाना क्षेत्र है वहीं का है, और जो बॉडी है उसका हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ आज पुलिस लाइन में हम लोग उनका सम्मान समारोह करेंगे। और उनके परिवार से भी मैंने बातचीत की है, उनकी पत्नी से बातचीत की है। हमारा पूरा बेगूसराय और बिहार पुलिस हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर के परिवार के साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हमेशा हम उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे मामलों में जो आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराता है उसकी तैयारियां हम लोग ने शुरू कर दी हैं, बहुत जल्दी वो सब हम सारी सेवाएं उनको दिलवा देंगे और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, पत्नी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जहाँ तक बन पड़ेगा पुलिस विभाग पूरी मदद करेगा। सर, इसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पुलिस
जो शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। इनफैक्ट हमारा जो अभियान है शराब माफियाओं के प्रति वो और ज़्यादा तेज होगा। अब जो हमारे अधिकारी ने शहादत दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और शराब माफियाओं की जो कमर है हम लोग लगातार तोड़ते रहेंगे और इस घटना में भी जो लोग शामिल हैं उनकी भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई, इनफैक्ट फांसी तक कराने की सजा हम लोग प्रोसिक्यूशन तक में ले जाएंगे।